से कहते हैं जेलस करना। जब आप कामयाब होना चाहते हो तो किसी को पीछे मत करो, अपनी मेहनत से खुद अपनी लगन से आगे बढ़ो, तब कि आप जाके कामयाब हो सकते। किसी को पीछे करने से आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आप बल्कि वहीं पे वहीं रहेंगे। ये उल्टा आपकी नजर में बड़ी शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए कि क्या ये वक्त आ गया है कि मैं दूसरों को पीछे करूं। यह याद रखें। नेक्स्ट और फाइनल थिंग, नेवर डू रॉन्ग थिंग्स। कभी भी कोई बुरी चीज ना करना, बुरी चीजें ना करना। आप कोई बुरा काम करोगे ना, वो लौट के आपके पास ही आएंगे। मेरे पास एक बहुत प्यारी एक मिसाल है। एक दफा ऐसा होता है कि एक मिल में, फैक्ट्री में मैनेजर जो है, मैनेजर अपने सुपरवाइजर को थप्पड़ मार देता है। सुपरवाइजर ने ये सोचा कि मैं भी इसे रख के देता हूं थप्पड़। लेकिन उसने ये फिर बाद में सोचा कि मेरा ये मैनेजर है, मैं थप्पड़ मारूंगा मुझे नौकरी से निकाल देगा। ये उसने कहा मैं इसको थप्पड़ नहीं मारूंगा वरना मुझे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन गुस्से में बहुत होता है, गुस्से में होता है, वो घर जाता है। अपने वापसी बीवी सामने से नजर आती है, बिना पूछे बिना कुछ कहे उसे अपनी बीवी को थप्पड़ रख के दे देता है। बीवी भी ऐसी थी, उसने पूछा नहीं मुझे क्यों मारा, बस शॉर्ट अपना गुस्सा उतार रहा था। उसने अपना गुस्सा अपनी बेगम पर उतार दिया। अब बेगम जो थी उसकी, वो भी गुस्से में थी, उसने भी अपने बड़े बेटे को थप्पड़ लगा दिया। अब वो भी बेटा था, बेटा कुछ कह नहीं सकता था मां को। बेटा भी गुस्से में आ गया, बेटे ने भी जाके अपने छोटे भाई को थप्पड़ लगा दिया। अब घर में सबसे छोटा था वो, बड़े भाई ने अपना गुस्सा उस पर उतार दिया। अब छोटा बेटा परेशान गुस्से में घर से बाहर निकला, घर से बाहर निकला वो, अब किस पर गुस्सा उतारता। उसे एक कुत्ता नजर आता है, वो क्या करता है, पत्थर उठाता है, कस के कुत्ते के मुंह पे मारता है। अब जो कुत्ता होता है उसके यहां चोट लगी होती है, उसके सर में दर्द हो रही होती है। अब वो क्या करता है, वो गुस्सा वो भी उतारना चाहता है। बच्चे ने तो अपना गुस्सा उस पर उतार दिया। अब वो जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो गुस्से के मारे भाग रहा था। भागते भागते अचानक देखता है गाड़ी से एक बंदा अपना पांव बाहर निकाल देता, ठीक है, जाके उसकी टांग पे काट देता, उसके पांव पे काट लेता वो। और इतनी जोर का वो काटता, क्योंकि गुस्से में होता था वो डॉग, कुत्ता गुस्से में था, उसने इतनी जोर का काटा कि उसके सारे दांत उसके अंदर पांव तक घुस गए थे। और वो शख्स जिसको काटा था उसको तो 14 इंजेक्शन लगे, लेकिन पांव इतना उसका डैमेज हो गया था कि 6 महीने तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और आपको जान के हैरानी होगी, वो शख्स था कौन जिसके पांव पे उस डॉग ने, उस कुत्ते ने काटा, जिसके अंदर 6 महीने तक बेड रेस्ट पे रहा हॉस्पिटल में। आप जान के हैरान होगी वो था कौन, वो वही शख्स था जिसने सुपरवाइजर के मुंह पे थप्पड़ लगाया था, वही मैनेजर था जिसने सुपरवाइजर को थप्पड़ मारा था। इसे क्या सबक मिला, आपने जो बुरा किया वो एक चेन बन गई, रिपीट होकर वापसी आप ही के पास हो आई, लेकिन एक न्यू फॉर्म में, एक नई शक्ल में। जिंदगी में आप जब भी कुछ बुरा करेंगे वो वापसी आपके पास आएगा जरूर, भले लेट आए, वक्त लगे, लेकिन उसकी सजा आपको मिलती जरूर एक नए रूप में। ये चीज याद रखिएगा, ये 5 बातें याद रखिएगा। जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत है। थिंक now or never, only one plan, never jealous, never do wrong things. जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। सलमान समर नाम याद रखिएगा, सर सलमान समर। टेक केयर।